गरम पोस्ट को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, रेलवे बोर्ड अपने कर्मचारियों को बोनस देने जा रहा है। रेलवे अपने कर्मचारियों को 17,950 रुपए का बोनस देने वाला है। एक अखबार ने ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जीएस मिश्रा और एजीएस एम माथुर के हवाले से बताया कि पहले 75 दिन का बोनस देने का निर्णय लिया गया था, बाद में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की मांग को मानते हुए बोर्ड ने 78 दिन का बोनस देने का निर्णय लिया है। यह बोनस रेलवे बोर्ड के क्लास 3 और 4 कर्मचारियों को मिलेगा। इसके लिए अलग से सप्लीमेंट्री बिल पास करके एक ही दिन में सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में ये बोनस डाल दिया जाएगा। रेलवे यूनियन के सुभाष पारिक के मुताबिक उत्पादकता के आधार पर पीएलबी पर बोनस मिलेगा। बीते साल 3500 की सीलिंग लिमिट बढ़ाकर 7000 रुपए की गई थी। उत्पादन के आधार पर यदि वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के राजस्व पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि इसमें रेलवे को माल ढुलाई से 12,695.43 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि यात्रियों के टिकट से 2362.23 करोड़ रुपए राजस्व को प्राप्त हुए हैं, जो पिछले वर्ष से बेहतर है। गौरतलब है कि हर साल राज्य और केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को दिवाली बोनस देती है। ऐसे में माना जा रहा है कि रेलवे के बाद केंद्र व राज्य सरकारें भी जल्द ही अपने कर्मचारियों को आकर्षक बोनस का तोहफा दे सकती हैं। साल 2019 से रेलवे को 1,00,000 से ज्यादा कर्मचारी मिलने वाले हैं। गौरतलब है कि रेलवे की ओर से ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए 1,00,000 पदों की भर्ती की जाने वाली है। इन भर्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इन परीक्षाओं को जल्द से जल्द पूरा करके सफल उम्मीदवारों को नए साल की शुरुआत में नियुक्तियां दे दी जाएंगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि दशहरे से पहले रेलवे के कर्मचारियों को बोनस मिल सकता है।